अच्छा आज जो है, पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसको एक दफा चला कर देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक क्या क्या काम कर लिया है। मैं यहाँ से इसको आई एक्सप्रेस सर्वर को रन करता हूँ। तो मैं भाई यूआरएल बन के आया होम इंडेक्स। मेरे पास दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इस वक्त, तो माई पेंसिल और किडगो रेजर मैंने कार्ट में ऐड कर दिया। कार्ट में दो आइटम हो गए, क्लिक करता हूँ, कार्ट में जाता हूँ तो देखो दोनों की एक एक क्वांटिटी आ रही है आपके पास। नाउ अब हमें प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के पर मुझे क्या करना है, ये सारे के सारे आइटम्स को अपने टीबीएल कार्ट के अंदर सेव करना है, और साथ ही साथ हम फिर क्या करेंगे, उसकी बिलिंग की इंफॉर्मेशन लेंगे यूजर की, और बाकी अदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेकर हम कहाँ पर चले जाएंगे, प्लेस ऑर्डर के पेज पे चले जाएंगे। नाउ अब इसके लिए मुझे पहले अपने डेटाबेस को एक दफा चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे डेटाबेस में सारे कॉलम्स वैलिड हैं, कोई मुझे उसमें ऑल्टर तो नहीं करना। अच्छा मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, याद है? डीबी कार्ट। अच्छा मेरे पास यहाँ पर जो है मेरा SSMS ओपन हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ यूज DB अंडरस्कोर कार्ट, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरे डेटाबेसिस में जहाँ पर DB कार्ट है उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो दिखाओ। तो मेरे पास यहाँ पर टेबल यू बना हुआ है, मेरे पास प्रोडक्ट का बना हुआ है, कार्ट का बना हुआ है, ऑर्डर का बना। तो सबसे पहले कार्ट में जाता हूँ, सिलेक्ट टॉप 1000 रॉस, मेरे पास कार्ट आईडी है, प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक चीज नहीं है, वो ये है कि टोटल या फाइनल प्राइस। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे ऑर्डर वाले टेबल के अंदर टोटल प्राइस है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई और फील्ड यहाँ रखने की जरूरत है? नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, हाँ टीबीएल कार्ट के अंदर जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, उस यूजर की आईडी प्लेस करवानी है, उस यूजर की आईडी एज ए फॉरेन की इंसर्ट करवानी है जिस यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया। यानी कि हम यूजर को पहले अब क्या करवाएंगे, लॉगिन करवाएंगे। तो मेरे पास टीबीएल यू यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है मैं चेक करता हूँ एक बेसिक यूजर जो है मैं इससे क्या करवा दूंगा और लॉगिन करवा दूंगा। सबसे पहले तो मैं ऑर्डर में जाता हूँ और सबसे अपनी क्यूरी में वापस जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जाकर मैं लिखूंगा यूज डीबी अंडरस्कोर कार्ट, और उसके बाद मैं बोलूंगा यहाँ पे ऑल्टर टेबल टीबीएल ऑर्डर टेबल टीबीएल अंडरस्कोर ऑर्डर एड। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉलम, और उसके बाद आएगा हमारे पास कॉलम का नाम। मैं यहाँ पे बोलता हूँ एफ के अंडरस्कोर टीबीएल अंडरस्कोर यू, और इसकी टाइप होगी आपके पास इंटीजर। कॉलम यहाँ पर नहीं आएगा। F5 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कॉलम ऐड हो जाता, सही है। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है क्रेडिट एड भी करवा लेना चाहिए कि किस टाइम पर जो आपके पास ऑर्डर प्लेस हुआ है, और इसकी डेट टाइप हम रख देते हैं टाइम स्टैम्प। डिफॉल्ट में हम इसको बोलेंगे, आप डिफॉल्ट में ले लो करंट टाइम स्टैम्प, सही। और यहां से मैं इसको क्या करता हूँ, फायर करवा देता हूँ। अच्छा मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया है, कुड नॉट क्रिएट कॉन्स्टेंट इंडेक्स सी प्रीवियस एरर फॉल्ट नॉट बी क्रिएटेड ऑन कॉलम्स ऑफ डेटा टाइप टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं डेट एंड टाइम, सही है। अब टीबीएल ऑर्डर में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट टॉप 1000 रॉस करते हैं। मेरे पास दोनों यहाँ पर क्या है, आ गए। अब इसमें एक इश्यू ये है मेरे पास कि मुझे अपना मॉडल भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडल अपडेट करवाने के लिए मैं यहाँ से अपने व्यूल स्टूडियो में जाता हूँ सॉरी, और यहाँ से मैं जाऊँगा अपने
मॉडल में, और ये मेरे पास मेरी EDMX डायग्राम आ गई। सही है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको करूंगा अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, और यहाँ पर मैंने, अच्छा थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, रिफ्रेश पे मैंने अपना टेबल जितने भी थे उन सबको क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो आप लोगों ने नजर रखनी है यहाँ पर टीबीएल ऑर्डर में, चार कॉलम है, दो कॉलम और आ जाएंगे। फिनिश करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास देखो यहाँ पर दो कॉलम और आ गए। ठीक है, इसके बाद जितने भी ये प्रोसेसेस हुए हैं मैं इनको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको एक दफा बिल्ड कर लूंगा। नाउ अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से जाता हूं अपने इंडेक्स वाले पेज पे, क्योंकि तो मुझे सबसे पहले ये वाला पेज ही दिख रहा है। तो मैं यहां पर जाके बोलूंगा एट द रेट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, और मुझे इसका स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है वो चाहिए DDMM YYY HHMMTTSS। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस फाइल को यहाँ से चलाकर देखता हूँ, देखता हूँ मेरे पास जो है किस तरह का जो एक यूनिक नंबर है वो बनकर आता। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पर मेरे पास जो है एक यूनिक नंबर बनकर आ गया। ठीक है, और इसी को हम किस में यूज कर रहे होंगे, अगर इसका पैटर्न समझो तो 17 आपके पास क्या हो गई, आज की डेट 17 है। देन आपके पास जो है 5 इसका मंथ हो गया, और ये 7 कहां से आया, अच्छा मैंने 3 Y लिखे हैं, मुझे यहां पर 4 Y लिखने चाहिए थे। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको वाई कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। एक और काम यहाँ पर हम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कैपिटल M यूज कर लेता हूँ, तो अब मेरे पास ओके हो गया। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, वो असल में मैं जो है वहां पर वो PHP वाला फॉर्मेट दिख रहा था। ठीक है, PHP में जब आप कर रहे होते हैं तब आप इसी तरह से चलाते। 17/5/2022 5:58 PM और 30 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अब मुझे सेकंड्स देखने हैं, मुझे सेकंड्स याद नहीं पड़ा, मेरे ख्याल से शायद TTSS होता है या कैपिटल S के साथ होता है। गेट सेकंड्स डेट टाइम टू स्ट्रिंग, ओके सेकंड्स के लिए देखना जरा यहां पर क्या आ रहा है आपके पास। ओके DDMMYY हमें ये रिटर्न करेगा, मुझे यहां पर चाहिए ओके हमारे पास है FFF। ठीक है, HHMMSS.FFTT। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर HH हमने लगा दिया, MM लगा दिया, SS लगा दिया, उसके बाद हमारे पास HHMMSS। ठीक है, HHMM, देन हमारे पास क्या आ गया SS, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया FFF। सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहां से मैं जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो मेरे पास यहां पर विद मिली सेकेंड्स भी जो है
अब आ रहा है, ठीक है। दूसरी एक और चीज मुझे यहाँ पर चेक करनी है कि मेरा जो कार्ट आईडी है उसका स्कीमा क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाऊंगा टीबीएल कार्ड आईडी पे, सिलेक्ट टॉप 1000 रॉस, और सॉरी यहाँ से हम जाएंगे एडिट टॉप 200 रॉस, और यहाँ पर हमारे पास इसका जो है कार्ट आईडी प्रॉपर्टीज, ओहो सही है, हमारे पास वारचार है मैक्स में, नल लेबल भी है, और अच्छा ये ऑर्डर वाला खोलिए, सॉरी यहाँ पर भी वारचार मैक्स है, ठीक है। तो हमें कोई मसला नहीं होने वाला, हम जितना मर्जी बड़ा स्ट्रिंग उसमें सेव करवाएं, सही है। तो अब मेरा यहाँ पे पैटर्न बन गया, पैटर्न बनने के बाद मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया। इस अपने पूरी मशीन को स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप करने के बाद जो है मेरे पास जितना भी कोड लिखा हुआ उसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और यहां से जो मेरे पास ये लास्ट आ रहा है यहां से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। अब मैं यहां से क्या करूंगा, बोलूंगा मेरे पास एक पब्लिक एक्शन रिजल्ट है जो कि है प्रोसीड टू चेकआउट राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसिस, एंड देन यहां पर जो है मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सॉरी स्ट्रिंग है यू आई डी, यू की आई डी, यू क्यू आई डी जो कि यूनिक होगी, इसको मैंने यहाँ पर अपना डेट फॉर्मेट यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये मुझसे रिटर्न टाइप पूछ रहे, तो मैं यहाँ से इसको रिटर्न करवाऊंगा कहाँ पर, रिटर्न व्यू, और व्यू के लिए मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं, तो राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ एड व्यू, एड व्यू के बाद यहाँ से मैं करता हूँ एड प्रोसीड टू चेकआउट, एड कर देंगे, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब यहीं पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पर मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि क्या ये मेरा यूजर जो है वो लॉगिन है कि नहीं है। अगर लॉगिन होगा तो हम उसको प्रोसीड टू चेकआउट वाले पेज पे भेज देंगे, वरना हम उसको कहाँ लॉगिन वाले पेज पे भेज देंगे, ठीक। अच्छा लॉगिन प्रॉपर जो आइडेंटिटी का लॉगिन है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा अभी, सिर्फ जो है उसके अंदर एक पेज पे उसको भेजेंगे जहाँ पे वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड देगा, और जिससे हम उसकी फॉरेन की, उसकी जो प्राइमरी की होगी वो हम कहाँ पर स्टोर करवा लेंगे, सेशन में, और सेशन से हम क्या कर लेंगे वो आईडी को गेट करेंगे। तो उसको किस तरह से आप परफॉर्म करोगे, इस फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ अपने होम कंट्रोलर में, और यहाँ पर जाकर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बोलूंगा इफ अगर सेशन, और सेशन के अंदर जो आपके पास ग्लोबल आईडी ये है, और नॉट इक्वल टू खाली ना हो, या इसके अलावा नल ना हो, ठीक है, तो फिर ये काम कर। अच्छा ये मैंने स्ट्रिंग से इसलिए मैच करवाया कि जब मैं इसके अंदर वैल्यू रख दूंगा तब ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, वैसे सेशन आपके पास एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हमने उसके लिए क्या यूज किया, नल। दोनों कंडीशंस हमने चेक कर ली, दोनों कंडीशन किस तरह से चेक कर ली, लेट से यूजर आपकी साइट पर आया, साइट पर आने के बाद उसने मिनिमाइज कर दिया, सेशन बना हुआ है लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी वहां से, तो उस सिचुएशन में भी उसको कहाँ पर लेके जाएगा, लॉगिन की तरफ लेके जाएगा। जब ये सब हो तो फिर हमें कहाँ करवाना है, इसको यहाँ भेजना है, ठीक है, वरना एल्स के अंदर हम इसको कहाँ भेज देंगे, एल्स रिटर्न रीडायरेक्ट टू डायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पर जो है मैं इसको पास कर दूंगा लॉगिन, क्लियर हो गया, सही है। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक लॉगिन का भी मुझे मेथड बनाना पड़ेगा जो कि आपके पास होगा एक HTTP, पहले तो हमें व्यू दिखाना पड़ेगा, तो उसकी नहीं बना हुआ, लॉग इन राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसिस रिटर्न, और यहां से हमने इसको कर दिया रिटर्न व्यू, और इसकी डेटा टाइप हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी रिटर्न टाइप क्या है, तो मैं बोलूंगा एक्शन रिजल्ट है आपके पास, और यहां से हम क्या कर देंगे राइट क्लिक एड व्यू
MVC5 view add login और ऐड कर दिया। कुछ भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, देखो एक फॉर्म बना रहा हूं सही है, उसके अंदर एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, टाइप रख दी ईमेल, नेम रख दिया ईमेल, वैल्यू में कुछ भी नहीं, रिक्वायर्ड कर देते हैं इसे, और प्लेस होल्डर में दे देता हूं ईमेल, बीआर लगाऊंगा, एक और इनपुट बना लेते हैं और उसकी टाइप रख दूंगा मैं यहां से पासवर्ड, नेम रख देंगे इसका पीडब्ल्यूडी, वैल्यू में कुछ भी नहीं, एक और इनपुट फील्ड बनाऊंगा जिसकी टाइप रख दूंगा सबमिट, और उसका नाम मैं यहां पर रख दूंगा BTN SBMT लॉगिन, और इसकी वैल्यू में मैं बोल दूंगा लॉगिन। उसको मैं यहां से सेव करता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर फॉर्म बना लिया, और अगर मैं होम कंट्रोलर पे जाऊं तो जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट का जो आपका मेथड है ये फायर होगा, सबसे पहले चेक करेगा ग्लोबल आईडी को, उसको मिलेगी नहीं, जब नहीं मिलेगी तो कहां पर रिडायरेक्ट करवा देगा, लॉगिन पर। लॉगिन पे मैंने क्या कि अगर मैं यहां से गो टू व्यू करूं तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ, यहां पर एक्शन के अंदर मैं इसको बोल लेता हूं एट द रेट URL डॉट एक्शन, और इसके अंदर मैं इसको यहां से भेज दूंगा किस पर, मैं इसको यहां पे भी भेज दूंगा लॉगिन, और हमारे कंट्रोलर का नाम आएगा होम, सही है, यहां पर चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं क्या करूंगा, होम कंट्रोलर में जाकर सेम मेथड कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और अब इसको किस टाइप का बना दूंगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट के लिए बना दूंगा, और इसके पैरामीटर्स में इसको बता दूंगा कि आपके पास एक जो है स्ट्रिंग में ईमेल आएगी, और उसके साथ ही आपके साथ आपके पास एक स्ट्रिंग में PWD आएगा, ये सेम होने चाहिए किसके साथ, जो आपने यहाँ पर नेम दिए, ईमेल भी सही है, पासवर्ड भी सही है, बटन सबमिट होगा, दोनों वैल्यूज मैं वहां पर कैच कर लूंगा, और कैच करने के बाद बहुत आसान सा काम है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो है एक सेशन बना देना, सही सेशन बना देना, ग्लोबल आईडी का कैसे बनाना है, इज इक्वल्स टू db.tbl u.where, जहां पर भी लैम्डा में एक्स, यहां पर आपको ईमेल जो है इसके बराबर मिले जो यूजर ने ईमेल दी, और उसी के साथ साथ पासवर्ड भी यूजर वाला ही हो, उसमें से सिलेक्ट करो उसमें से सिलेक्ट कर लो, अरे एक्स डॉट लिखना ना, सॉरी। ठीक है, उसकी आईडी, और इसमें से मुझे चाहिए जो भी फर्स्ट या डिफॉल्ट में आपके पास आए, सही है। तो यहां पे मैं करूंगा इफ सेशन आईडी आपके पास बन जाएगी, ओहो यहाँ पे मैं लॉगिन की फंक्शनलिटी सही से इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, पूरा यूजर लूंगा यहाँ से हटाएंगे, इफ टेबल यूज रोट यहाँ पे मैं कर दूंगा एनी, एनी आपको बूल में देता है रिटर्न। ठीक है, ये जाके ढूंढे, बोलेगा कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला जिसमें ये ईमेल ये पासवर्ड हो, हाँ मिला, तो क्या होगा ट्रू, नहीं मिला तो क्या होगा फॉल्स, तो फिर ये काम चलेगा, गुड हो गया सही। अगर ये हो जाए तो हम यहाँ से इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न
रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पर मैं इसको करवा दूंगा किस पे, प्रोसीड टू चेकआउट, नाम बड़ा है तो हमेशा वाली जो इसे मैं करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट टर्मिनेटर। अब मसला ये है कि मुझे यहाँ पर उसकी सेशन में वो भी सेव करवाना है, तो यार इसके लिए कोई होगा आसान तरीका ढूंढ के बताऊंगा कि मुझे एक ही क्यूरी लिखनी पड़े, सेशन भी चेक हो जाए, यूजर है वो भी चेक हो जाए, साथ में डेटा भी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए। ठीक है, तो यहां से मैंने सेशन बनाया, यही पूरा उठाकर मैंने कहां रख दिया, यहां पर, और अब एनी की जगह क्या कर दूंगा मैं वेयर, और यहां से मुझे क्या सिलेक्ट करवाना है, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल होता है आपके पास, ठीक है। तब सेशन में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी, वरना एल्स में हम क्या कर देंगे इसे व्यू में भेज देंगे और ये आपका व्यू में आ जाएगा, कोई मसला मसला है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब यहां से जब ये सारा हमारा सेशन वगैरह बन जाएगा, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगी, सेशन की आईडी आ जाएगी, प्रोसीड टू चेकआउट पर उसने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट पे नहीं मुझे सॉरी भेजना उसे, मुझे यहाँ पर भेजना है व्यू कार्ड पर कि वो अपना कार्ड देख सके। ठीक है, अब यहां से मैं इसको रन करता हूं, चलो भाई ऐड टू कार्ट, और यहाँ से अपने कार्ट पे जाते हैं, चेकआउट प्लेस ऑर्डर पे लेके जाता हूँ, तो इसने मुझे कहाँ भेज दिया, होम पे वापस भेज दिया, और मेरा कार्ड खाली हो गया क्या। दोबारा जाते हैं, और यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये मुझे होम पर भेज रहा है, तो मे भी मैंने जो है यहाँ पर जो है इसको रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ पर मैंने इसको किया हुआ है लॉग इन। ओहो नहीं नहीं कहाँ पर बड़ा लिखा मैंने, कौन से वाले पे, ये तो चलो ये लो, इसका मसला नहीं है ये वैसे, असल में मैं आपको बता दूं मसला कहाँ से, मसला यहाँ से है कि कहाँ गया हमारा प्रोसीड टू चेक, एक मिनट, होम कंट्रोलर, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, प्रोसीड टू चेक आउट व्यू कार्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो एंकर लगा हुआ है मैंने इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मसला था। और यहाँ पर मैंने इसको बता दिया कि आपने होम का आपको एक मेथड मिलेगा, यहाँ पर जाना, स्टॉप करता हूँ, यहाँ से मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ से इसको फाइल कर देता हूँ। एड टू कार्ट, और यहां से मैं चला गया कार्ट में, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूं, तो नहीं था तो मुझे कहां ले आया, लॉग इन पे ले आया। अब लॉग इन करने के लिए मुझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, जो मुझे पता नहीं है, तो यहां से मैं चला जाऊंगा अपने टीबीएलयू में, सिलेक्ट टॉप 1000 रॉस। अच्छा, ईमेल तो आसान ही है, ठीक है, 123 पासवर्ड, लॉग इन करता हूँ, ये मुझे अपने व्यू कार्ड के ऊपर ले आया, सेव करते हैं, प्लेस ऑर्डर पे जाते हैं, तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, सही है, ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ मतलब मेरा वो फंक्शन ओके फर्स्ट क्लास चल पड़ा है। अब होम कंट्रोलर पे जाऊंगा, अब देखो मेरा ये चल रहा है प्रॉपर,
फजूल। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरी यूनिक आईडी इसके अंदर आ रही होगी एज एन स्ट्रिंग। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो सेशन मतलब मेरे कार्ट में जितने आइटम्स है वो उठाने। तो वो उठाने के लिए मुझे यहाँ पर देखो मैंने मेन लिस्ट एक बनाई हुई जो कि सेशन से मुझे टाइप कास्ट करके मेरा सारा सारी लिस्ट दे रही है। ठीक है, सेशन कार्ट के अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए, उसको मैंने टाइप कास्ट करवाया किसमें, लिस्ट टाइप में कार्ट वाली क्लास के कोड। सही है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर का लूप स्टार्ट करता हूँ। फोर का लूप स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास इंटीजर है जिसका हम रख रहे हैं आई, क्योंकि ये समझ लो कि यूनिवर्सल लॉ है इसलिए हमने आई से स्टार्ट की, जीरो से मतलब वैसे यहाँ पे कंपलसरी नहीं है आई से स्टार्ट करो। आई इज लेस देन है किससे, मेन लिस्ट के काउंट से। काउंट प्रॉपर्टी है, मेथड है, मेथड है, मेथड है, है? नहीं राउंड ब्रैकेट आ गई तो मेथड हो गया ना, राउंड ब्रैकेट नहीं आएगी तो क्या होगा, मैं बताता हूँ। ये आपके पास, अच्छा ये प्रॉपर्टी है, पाना बना हुआ, अच्छा प्रॉपर्टी भी है मेथड भी है दोनों है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इधर चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास काउंट आ गया। काउंट के बाद मैंने बोल दिया आई प्लस प्लस हो जाओ, यानी कि आगे को चलेगा। अच्छा अब मेरे पास सारे का सारा डेटा आ गया है, अब उसके बाद मुझे उसमें से एक एक प्रॉपर्टी निकाल के कहाँ सेव करवानी है, टीबीएल कार्ट में। ठीक है, टीबीएल कार्ट में कुछ इस तरह से सेव करवाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे बोला मेरे पास टीबीएल कार्ट का जो है एक ऑब्जेक्ट है जो सीआरटी है, इज इक्वल टू न्यू, और उसको मैंने बोल दिया सीआरटी सॉरी कार्ट सॉरी टीबीएल कार्ट, और मैंने यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर फायर कर दिया। नाउ अब मैं बोलूंगा सीआरटी डॉट कार्ट आई डी इज इक्वल टू यू क्यू आई डी, देन मैंने बोला सीआरटी डॉट एफ के टीबीएल प्रोडक्ट, एफ के प्रोडक्ट इज इक्वल टू मेन लिस्ट आई डॉट पी आई डी। सही है, उसके बाद सी आर टी डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू मेन लिस्ट आई डॉट क्वांटिटी। ठीक है, और कोई कॉलम रहेगा इसके अंदर, तो एक दफा हम कार्ट में कार्ट आई डी हो गई, क्वांटिटी हो गई और प्रोडक्ट हो गया हमारे पास आ गया। सही है, तो यहां से अब इसके बाद में क्या करूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा डीबी में से जो टीबीएल कार्ट है उसके अंदर ऐड कर दो क्या चीज, यही मेरा सीआरटी वाला ऑब्जेक्ट, और उसके बाद डीबी को बोल दो कि जो भी काम मैंने किया उसको कमिट कर दे। सही है, हाँ देखो ये हर दफा आएगा, हर दफा आकर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा दोबारा से उसी नाम से बना, और उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देगा, फिल करके अपने हमारा जो एंटिटी उसको दे देगा, उसको बोलेगा ये ऐड कर दो, जैसे ही तुम्हारे पास सेज चेंज की कमिट है तो ये डेटा भी वो क्या कर देगा आपके साथ ऐड कर देगा। बिल्कुल बेसिक्स है लिस्ट की। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, ये एक दो क्लासेस के बाद समझने वाली चीज है। ठीक है, अब यहां से मैं इसको प्ले करता हूं। है मेरे को है मेरे को प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, कार्ट में जाता हूँ, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, लॉग इन नहीं था तो बोल रहा पहले लॉग इन करो, मैंने लॉग इन कर लिया, प्लेस ऑर्डर में जाता हूँ तो मेरा चेकआउट चल पक गया है। अब इसके बाद मुझे जो है डेटाबेस में चेक करना है क्या वैल्यूज भी आई है, मजाक तो नहीं कर रहा इतनी देर से मैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑप, तो मेरे पास देखो दो प्रोडक्ट्स थे, तो दोनों प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास एक कार्ट आई डी बनी और उसी के साथ मेरे पास एफ के प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी आ गई। सही है,
आगे चलते हैं। अब मुझे इस पेज के ऊपर क्या दिखाना है, इसके पेज के ऊपर मुझे उससे बिलिंग इंफॉर्मेशन सारी लेनी है, ठीक है। बिलिंग इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव करवाएं हैं? इतने आराम से बोल रहा है करवा दे। यूज डीबी, अब देख लो इधर से डीबी कार्ड, कार्ड को यूज करते मुझे अच्छे लगते हैं काम चोर बच्चे, बहुत मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, मैं बोलता हूँ अच्छा ये काम ऐसे हो रहा है सही है तो इसके लिए ये करना पड़ेगा, करवा दूं लंबी हो जाएगी लेकिन, नहीं नहीं सर छोड़े छोड़े। तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद हम बोलेंगे इसको के टीबीएल यूजर इन्फो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए टेबल हमने बना दिया। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यू आई आई डी, इंटीजर होगी, प्राइमरी की होगी, उसके बाद आइडेंटिटी होगी, उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे उसका फुल फर्स्ट नेम जो कि होगा आपके पास वारचार, और इसको मैक्सिमम 50 रखेंगे। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा उसका मिडल नेम, इसको हम रखेंगे वारचार, और इसको करेंगे हम 50। देन आपके पास आ जाएगा लास्ट नेम जो कि आपके पास होगा वारचार, इसको रख देंगे 50। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा उसका फोन नंबर, इसको रखेंगे हम वारचार, और ये भी हमारे पास मैक्सिमम 50। इसके बाद आपके पास आ जाएगा फोन नंबर एस जो कि सेकेंडरी है, एक फोन नंबर लिया वो बंद है तो दूसरा, या इसको हम कर देते हैं लैंडलाइन वारचार, और इसको हम कर देंगे 50। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एड्रेस, एड्रेस हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, सबसे पहले हम उससे लेते हैं सिटी वारचार, वड़ा चार हो गया था, ठीक है। कंट्री, उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोविंस, उसके बाद आपके पास आ जाता है सिटी हो गया, सिटी के बाद आपके पास आ जाएगा यहां पर टाउन, टाउन के बाद आपके पास आ जाती है स्ट्रीट, पूरा पता लेंगे ना उससे। ठीक है, स्ट्रीट के बाद आ गया आपके पास हाउस नंबर, उसके बाद आपके पास आ गया फ्लोर अगर है तो। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो ये तकरीबन हमने इससे सारी चीजें ली, टेंशन नहीं लो, स्केप फोल्ड करूंगा। सही है, स्केप फोल्ड करूंगा मैं भी। रूल सिर्फ आपके लिए है, आप स्केप फोल्ड नहीं कर सकते, मैं कर सकता, ठीक है। तो मेरा ये एक टेबल बन गया, और कोई चीज रह गई इसमें मुझे बताओ। बिलिंग एड्रेस तो लिया ही नहीं, वही तो जेंडर। हाँ और एज भी, एज भी,
चलो भाई अब जो भी था हो गया, अब इसके बाद हम यहां से जाएंगे अपने ये मेरा टेबल आ गया यहाँ पे यूजर इन्फो का फिनिश करेंगे। ठीक है तो कुछ इस तरह की हमारी छोटी छोटी नाजुक नाजुक सी फील्ड्स हैं, सेव करता हूं। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूं, होम कंट्रोलर पे जाता हूं और यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं, गो टू व्यू में जाता हूं, इसको मैंने स्टॉप कर दिया और मेरा व्यू कहां पड़ा हुआ है, प्रोसीड टू चेकआउट होम, देन प्रोसीड टू चेकआउट शिफ्ट डिलीट, डिलीट कर दिया। सही है, यहां से होम कंट्रोलर में जाऊंगा, यहां पर जाके राइट क्लिक, एड व्यू एमवीसी 5, एड टेम्पलेट, कौन सा चाहिए मुझे, क्रिएट का चाहिए टेम्पलेट, नोडल क्लास क्या है मेरी, यूजर इन्फो डेटाबेस ये रहा, ओहो यूज लेआउट शेयर लेआउट यूज करना, ऐड कर दिया। ओहो हमने प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं किया था, ठीक है नाउ अब अगर मैं ऐड करूंगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है तो मेरे पास ये पूरा का पूरा फॉर्म बन गया, सेव करता हूं और ये मुझे यहां से बैग भेज रहा है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, यहां पे इंफॉर्मेशन देगा ही तो आगे जाएगा। उसके बाद यहां पे मेरा फॉर्म है और इसके लिए मुझे इसको यहीं पर ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ होम कंट्रोलर में जाऊंगा और होम कंट्रोलर में जाने के बाद मैं यहां पर पब्लिक एक्शन रिजल्ट और यहां से राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन माय ऑर्डर और यहां पर आपके पास टीबीएल यूजर इन्फो और यहां पर हम लिख देंगे यूजर। अच्छा एक मिस्टेक हम लोगों ने यहां पर कर दी जो कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन किस यूजर के लिए, एफ की आईडी लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहां पर करूंगा ऑल्टर टेबल, एक तरह से अच्छा हो गया। वैसे ही क्यों हुआ, स्केप फोल्डिंग में वो आईडी आ जाती, रिमूव करनी पड़ती, स्केप फोल्डिंग में आई नहीं है। ऑल्टर टेबल टीबीएल यूजर इन्फो एड एफ के टीबीएल यू और ये हो गया आपके पास आईएनटी यूजर इन्फो एफ फाइव डेटाबेस में यहाँ पे मॉडल में जाते हैं अपने और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा भाई कहाँ पर थे, प्रोसीड टू चेकआउट,
ये रहा मेरा यूजर इन्फो का, मेरा जो डेटाबेस है वो अपडेट हो गया, इसको मैं एक दफा बिल्ड कर लेता हूँ, बिल्ड भी हो गया। अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रखनी है, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर ये करनी है कि यूजर में से जो आपके पास एफ के टी बी एल यू है, सॉरी, उसको मुझे बराबर करना है जो सेशन में आपके पास एक ग्लोबल आईडी पड़ी हुई है इसके। तो यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको यहाँ से मुझे करना पड़ेगा कन्वर्ट डॉट टू इन 32, और उससे पहले जो है मुझे यहाँ पर ये चेक करवाना पड़ेगा कहीं सेशन खाली तो नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा होगा ना कहीं पे, ठीक है, यहां से ये आ गया। इसके बाद मैं बोलूंगा कि टीबीएल यूजर इन्फो डॉट एड और डीबी डॉट, और यहां पर मैंने करवा दिया एड यूजर। और इसके बाद आपके पास हो गया डीबी डॉट सेफ चेंजिंग्स। ठीक है, तो यहां से अब आपने क्या ले ली, यूजर से इंफॉर्मेशन भी ले ली। नाउ अब मुझे क्या करना है, माय ऑर्डर का एक पूरा का पूरा मेथड बनाना है। और यहां से रिटर्न व्यू टर्मिनेटर, और यहाँ पे मेरा काम ओके हो गया। बाकी का जो काम है हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब सिर्फ हमें क्या करना है, ऑर्डर दिखाने, उसके ऊपर जो हमारे स्टेटस हैं उन सबको जो है हमें उनकी ट्रैकिंग करनी है। मतलब एक क्लास का हमारा काम हो रहा है क्या बस। ठीक है, अच्छा यहाँ से इंडेक्स वाले पेज पे जाता हूँ और इसको एक दफा चलाकर आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हम ईमेल सेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम लॉग इन साइन अप करेंगे आइडेंटिटी से। ठीक है, एक रेजर मैंने ऐड कर दी और प्रोसीड टू चेकआउट। और यहाँ पर जो है मेरे पास प्रोसीजर टू कंट्रोल ऐप होम कंट्रोल बिटवीन द फॉलोइंग मेथड्स, अच्छा मैंने वहां पर कोई भंड मार दी है, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, देखता हूँ। अच्छा मैंने दोनों मेथड्स बना दिए, एक मुझे इस दूसरे वाले को बताया नहीं कि आप किस टाइप के हो, आप पोस्ट टाइप के हो। ये छोटी सी एक मिस्टेक थी, अब ओके चलेगा। पेंसिल ले, एक मुझे पेंसिल चाहिए। प्लेस ऑर्डर करता हूँ, नहीं हुआ लॉग इन करूंगा, और उसके बाद प्लेस ऑर्डर करूंगा तो मेरे पास कुछ मेरी डिटेल्स पूछ रहा है, और डिटेल्स बता देते हैं इसको। फर्स्ट नेम है मेरा, अच्छा फर्स्ट नेम मेरा आएगा, मिडिल नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, जेंडर आएगा, एज आएगी 18, ओ एज आ जाएगी जैसे 10 डाल देते हैं। और उसके बाद फोन नंबर 09007860 1, लैंडलाइन 09007860 1, उसके बाद कंट्री आ गई हमारे पास पाकिस्तान, प्रोविंस आ गया सिंध, सिटी आ गया कराची, टाउन आ गया शाह फैसल, स्ट्रीट आ गई 99999, हाउस नंबर आ गया 8888,
क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद हमारे पास मॉडल में एरर आ गया है, व्यू नहीं मिल रहा माय ऑर्डर, लेकिन हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में जा चुका है। एक दफा इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, और यहाँ से टेबल्स सिलेक्ट टॉप, और यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब बाकी जो माय ऑर्डर वाला सारा काम है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं।